आज आपका हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास Hyundai की तरफ से वेरना गाड़ी आई है। तो फ्रेंड, इसमें कस्टमर का कंप्लेंट क्या है वो आपको हम बताते हैं। फ्रेंड, गाड़ी जब रनिंग होता है तो जब कस्टमर ब्रेक मारता है तो पीछे से ठक ठक करके आवाज आता है, चलते कुछ कुछ गिर जाएगा। हम इसे फिलहाल पहले पीछे का दोनों व्हील खोलेंगे और चेक करेंगे कि कंप्लेंट क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देख सकते हैं, हमने दोनों व्हील को ऊपर स्टैंड पे ले लिया है। अब दोनों व्हील ओपन करेंगे और फ्रेंड इसका चेक करेंगे कि इसका सॉकअप में प्रॉब्लम है कि जेड एक्सल के बूस्ट में प्रॉब्लम है। ज़्यादा करके फ्रेंड इसका जेड एक्सल का बूस्ट में प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले तो हम इसका सॉकअप ओपन करेंगे और उसके बाद से इसका जेड एक्सल ओपन करके चेक करेंगे इसका बूस्ट उस तो नहीं गया है, क्योंकि दो ही चीज़ की वजह से पीछे से साउंड आ सकता है। तो हम आपको दिखाते पहले। अंसारी जी, इसका दोनों व्हील ओपन कीजिए। अंसारी जी, इसका सॉकअप बाहर निकालिए, खोल लिए हो तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, इसका सॉकअप हम बाहर निकाल रहे हैं चेक करने के लिए। ये हमारा लेफ्ट साइड का सॉकअप है, बाहर लीजिए। ये हमारा लेफ्ट साइड का सॉकअप है। मिराजर, राइट साइड का सॉकअप लेके आइए। तो फ्रेंड हमारा राइट साइड का सॉकअप है, इसको दोनों को प्रेस कीजिए एक साथ में। नीचे पकड़ो मेरा। छोड़िए। तो फ्रेंड हमारा पीछे का सॉकअप ओके है। तो हम अब इसका धड़ी का बूस्ट चेक करेंगे, जिसे जेड एक्सल कहते हैं। ये हमारा जेड एक्सल है, देख सकते हैं, ये पूरा जेड एक्सल है यहाँ से वहाँ तक। ये जेड एक्सल हम बाहर निकालेंगे और इसका बूस्ट चेक करेंगे, क्योंकि हमें डाउट है कि इसका बूस्ट कटा रहेगा तो ही ऐसा साउंड आएगा। ठीक है, तो ये जेड एक्सल बाहर निकाल के फिर हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए सारी चीज़ें ओपन करेंगे फ्रेंड। एक कैलिपर बाहर निकालना पड़ेगा, ब्रेक जो ब्रेक का पाइप है इसे ओपन करना पड़ेगा, हैंड ब्रेक का यहाँ से देख सकते पट्टी को ओपन करना पड़ेगा। ओके, सॉकअप ओके, देख सकते फ्रेंड सॉकअप ऑटोमेटिक ऊपर आ रहा है, इसका मतलब सॉकअप ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, देख सकते दोनों सॉकअप हमारा ओके है। ठीक है, चलिए रख दीजिए सॉकअप, जेड एक्सल को बाहर निकालिए। तो फ्रेंड हम आपको जेड एक्सल बाहर निकाल के फिर उसका बूस्ट का कंडीशन आपको दिखाते हैं। चलिए खोलना चालू कर दीजिए। तो ये लेफ्ट साइड से हमारे अंसारी जी खोल रहे हैं और राइट साइड से हम आपको बताते हैं। ये राइट साइड से हमारे मिराज जी खोल रहे हैं। ये हमारे नए बंदे हैं, हमारे पास थोड़ा काम बढ़ गया था इसके लिए हमें इन्हें हायर करना पड़ा और इन्हें रखना पड़ा। ये हमारे मिराज जी है, मिराज जी जरा इधर देखिए, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अब इसका डेड एक्सल बाहर निकाल के उसके बाद आपको दिखाएंगे कि डेड एक्सल में क्या प्रॉब्लम है। इसे ओपन करना चालू कर दिया हमने। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे नए बंदे हैं, चार दिन से हमारे पास आ रहे हैं, इन्हें हमने 12,000 सैलरी में रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये डेड एक्सल का जो बोल्ट आता है उसे लूज किया जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें हमने ओपन कर दी है। देख सकते हैं, इसका ब्रेक का जो कैलिपर आता है वो भी ओपन करना पड़ता है आपको, एक ब्रेक पाइप ओपन करना पड़ता है, ABS का इसमें सेंसर दिया है वो भी आपको ओपन करना पड़ता है। ये तीन चार चीज़ें आपको ओपन करने पड़ती है, एक सॉकअप आपको बाहर निकालना पड़ता है डेड एक्सल ओपन करने के लिए। इतने सारी चीज़ें ओपन करेंगे तो आपका डेड एक्सल बाहर आ जाएगा। ये डेड एक्सल का बोल्ट हमने बाहर ले लिया है। फिलहाल हमें इससे जैक पर हमने सपोर्ट के लिए लगा के रखा नीचे पे जैक। ठीक है, और साइड का भी चलिए,
हमने लेफ्ट साइड का ओपन किया, राइट साइड का ओपन कीजिए। ये भी सेंसर का वायर ऊपर लटका दीजिए। तो ये हमारा राइट साइड से भी सारी चीज़ें ओपन हो गई है, आप देख सकते हैं। सिर्फ एक डेड एक्सल का बोल्ट लूज करना बाकी है, वो हमारे अंसारी जी कर रहे हैं। चलिए जैक को थोड़ा हल्का और डाउन कर लीजिए, स्प्रिंग पे लोड है, स्प्रिंग का लोड कम कर लीजिए, नहीं तो फटाक से डेड एक्सल नीचे फेंक देगा। हल्का लूज कीजिए और हाँ डाउन कीजिए, डाउन कीजिए, डाउन कीजिए, डाउन कीजिए, डाउन कीजिए और डाउन कीजिए। स्प्रिंग बाहर निकाल लीजिए, दोनों साइड का स्प्रिंग बाहर निकाल लीजिए, रखिए उसका, देखिए ऊपर का माउंट ऑन सही है क्या। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसका बफर भी टूटा हुआ है, तो ये भी हम रिप्लेस करेंगे। और मेरा जी बोल्ड निकालिए डेट एक्सल का, थोड़ा जेक उठाओ, जेक थोड़ा उठाओ, थोड़ा सा, बस 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 रुकिए, हाँ अब धीरे धीरे डाउन कीजिए। डाउन कीजिए, धीरे धीरे इधर हथौड़ी से थोड़ा थोड़ा मारिए, निकाल लो जेक, निकाल लो उस तरफ पकड़ो। ये डेड एक्सल हमारा बाहर आ चुका है, बाहर लीजिए इसे, बाहर लीजिए। इसको डाल लाइए। ये फ्रेंड है हमारा डेड एक्सल का बुश है, ये देख सकते हैं ये पूरी तरह से चला गया है। फ्रेंड यही प्रॉब्लम है इस गाड़ी में, तो हम ये डेड एक्सल का बुश रिप्लेस करेंगे। देख सकते हैं ये पूरा स्लू छोड़ दिया बुश से, ये बाहर भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है फ्रेंड, ये बूस्ट में ना ये फिक्स आता है स्लू, ये स्लू बूस्ट से छोड़ दिया, इसके लिए जब ब्रेक मारते हैं ना तो ये हमारा ऐसा आगे पीछे होता है, तो इसके लिए डायरेक्शन ये ढक ढक मारता है। ये हमारा कंप्लेन यही है और यही प्रॉब्लम है, तो इसका बूस्ट हमें रिप्लेस करेंगे। देख सकते हैं दोनों साइड का, ये देख सकते हैं राइट साइड का है, दोनों साइड का बूश वैसे ही फ्री हो गया है। ठीक है फ्रेंड, पूरी तरह कट भी गया है, तो हमें दोनों बूश रिप्लेस करेंगे डिटेक्शन का, और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं, तो अब हम फिलहाल इस बूश को अरेंज करेंगे, अरेंज करके इसे रिप्लेस करके फिर से गाड़ी में फिट कर देंगे। ये हमारी फ्रेंड हुंडई वेरना है, जिसका हम डेड एक्सल का बूश रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका बूश हम अरेंज करके फिर रिप्लेस करके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं डेड एक्सल का जो बूश है उसे हम निकाल रहे हैं। देख सकते हैं दोनों साइड से इसे जलाकर और इसे हम निकालेंगे। ऐसा आप भी फ्रेंड आप लोग भी निकाल सकते हैं, इसे लेथ पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे निकालना थोड़ा मुश्किल है, बाकी प्रेस करने में कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, वो हम आपको दिखाएंगे। इसका हमने दोनों डेड एक्सल का बूश भी अरेंज कर लिया है। ये हमारा नया बूश है फ्रेंड, देख सकते हैं इसके अंदर स्लू जो है जो हमारा फ्री हो गया था इसमें फिक्स है, ये देख सकते हैं ये थोड़ा भी नहीं हिलेगा, ये स्लू, ये वाला स्लू जो है इस बूश, ये जो बूश आता है रबर से छोड़ दिया था,
तो ये हमारा दोनों डेड एक्सल का बूस है, देख सकते हैं। तो दोनों हम इसमें चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसे निकाल रहे हैं, निकालने के बाद फिर आपको ये प्रेस करते हुए दिखाएंगे नया वाला बूस। ये फ्रेंड देख सकते हैं, ये हुंडई का जेन्युइन पार्ट है, तो ये डेड एक्सल का बूस है। फाइनली आप लोग देख सकते हैं, एक साइड का बूस हमने निकाल दिया है, ये देख सकते हैं। एक साइड का बूस है, दूसरे साइड का बूस निकाला जा रहा है। इसमें लगा गर्म हो गया, देख सकते हैं दूसरे साइड का है। तो फाइनली ये भी बूस हमारा निकल गया, ये देख सकते हैं। तो दोनों साइड के हमारे बूस निकल चुके हैं। अब इसे थोड़ा हम पेपर मार के और साफ करके फिर इसका नया बूस प्रेसिंग करना चालू करेंगे, ये देख सकते हैं। ये साइड का बूस है और इधर दूसरे साइड का बूस पड़ा है, ठीक है। तो अब हम आपको नया बूस प्रेस करके दिखाते हैं। तो फाइनली हमारा बूस निकाल कर ये हो गया है। तो हम थोड़ा इसको डीजल से और पानी से वॉश कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हमने इसको गर्म किया था, गर्म करके निकाला था, तो इसके लिए काला काला हो गया था। तो इसको डीजल और पानी से वॉश कर लेंगे तो हमारा एकदम नया चकाचक हो जाएगा। तो इसके लिए डीजल पानी से इसको वॉश करके और इसका थोड़ा पेपर मार के फिर इसको नया बूस हम प्रेस करना चालू करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। ये डेड एक्सल पर पूरा देख सकते हैं आप लोग, डीजल मारा जा रहा है। डीजल मार के फिर इसको पानी से अच्छा से वॉश कर देंगे। तो ये हम पानी मारने जा रहे हैं, देख सकते हैं। ये पानी के प्रेशर से इसको पूरी तरह से क्लीन कर देंगे और उसके बाद फिर इसमें नया बूस हम प्रेस करना चालू करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं, ये हमारा एक साइड का बूस प्रेस हो चुका है। अब इसी प्रकार हम दूसरे साइड का भी बूस प्रेस करेंगे। ये देख सकते प्रॉपर तरीके से हमारा पूरा चिपक चुका है, कहीं भी किसी प्रकार कोई गैप नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो ये एक साइड का हमारा पूरा हो चुका है और दूसरे साइड का हम इसी प्रकार पूरा फिट करेंगे और उसके बाद इसको गाड़ी में फिट करना चालू करेंगे। आपको ये हमने ईजिली तरीका इसीलिए बताया है कि कभी समझ लीजिए आपका लेथ मशीन बंद हो, आपको अर्जेंट में गाड़ी देना हो, तो आप किस तरह करेंगे, इसके लिए आपको हमने ये बाहर का तरीका बताया है। नहीं तो ये तो लेथ मशीन पे ही प्रेस होता है, लेकिन हम लोग लेथ मशीन पे नहीं देते हैं, हम लोग अपने गैरेज पे ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं इसके लिए। हम यहीं पे प्रेस करते देख सकते हैं, हाइड्रोलिक हमारे पास सिस्टम भी है प्रेस करने वाला, इसके थ्रू भी हम प्रेस करते हैं। हमारा कूलर भी है जिससे हमने थोड़ा बूस अंदर बिठा दिया था कूलर से, और उसके बाद हम वाइस में इसको प्रेस कर दिए पूरी तरीके से, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह हम राइट साइड का भी बूस प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको फाइनल करके गाड़ी में फिट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी इस प्रकार से इस बूस को बाहरी प्रेस कर सकते हैं। चलो तो फाइनली आप देख सकते हैं दोनों डेड एक्सल का बूस हमारा प्रेस हो चुका है, देख सकते हैं थोड़ा भी इसमें गैप नहीं है, ठीक है फ्रेंड। इसको हमने गैरेज पे ही बिठाया है, लेथ मशीन मशीन पे नहीं बिठाया है, आपको उसका तरीका भी बता दिया, देख सकते हैं ये भी प्रेस हो चुका है, ठीक है। तो फाइनल फिट हमारा प्रेस हो चुका है, अब इसे हम फिटिंग करना चालू करेंगे गाड़ी के अंदर।
ठीक है फ्रेंड, तो अभी गाड़ी में हम फिक्स करके आपको दिखाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं एडेड एक्सल हम फिट करने हम जा रहे हैं। तो इसका फ्रेंड जो बफर आता है स्प्रिंग के अंदर वो भी टूट चुका था, तो भी हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये देख सकते हैं इसे हमने रिप्लेस किया है क्योंकि स्प्रिंग के अंदर आता है ये, जो आपका जो जंप करता है तो उसे कंट्रोल करता है, ज़्यादा जंप नहीं होने देता है, इसके लिए बफर दिया जाता है। तो हमने ये राइट साइड का रिप्लेस कर दिया है, लेफ्ट साइड का रिप्लेस कर रहे हैं। देख सकते हैं इसके अंदर फ्रेंड एक 12 नंबर का बोल्ट दिया जाता है वाटी के अंदर। ये देख सकते हैं 12 नंबर का बोल्ट है, इसे आप ओपन करेंगे तो वाटी आपका बाहर आ जाएगा और ये वाटी फिट करके फिर बफर इसके अंदर प्रेस कर सकते हैं आप आसानी से। तो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड ये बफर क्या हुआ था पूरा टुकड़ा हो गया था। ये बफर को दिखाइए, ये देख सकते हैं ये पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, तो इसके लिए हमने इसे भी रिप्लेस कर दिया है ताकि आगे चल के कस्टमर को कोई कंप्लेन ना हो या किसी प्रकार का रास्ते में प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा हल्का ग्रीस लगा के और प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों साइड का हमारा बफर भी रिप्लेस हो गया है। अब हम डेड एक्सल को फिटिंग करना चालू करेंगे। चलिए दोनों बाजू से एक एक आदमी जाइए, डेड एक्सल को नीचे लीजिए, ग्रीस लगा के मेरा जी ग्रीस लेके जाइए। डेड एक्सल जहाँ बैठता है वहाँ बॉडी में दोनों साइड ग्रीस लगा दीजिए, अंदर बाहर लेके जाइए। चलिए मेरा जी आगे लीजिए, हम सारी जी अंदर डालिए। पहले एक बाजू फंसने दीजिए, ये बाजू पहले फंसने दीजिए, खाली आप पकड़ के रखो सपोर्ट में। बस उसका बोल्ट बस पड़ते हैं, हल्का थोड़ा लगा रहे। मेरा लेफ्ट साइड का भी सकअप लगाओ। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं ये हमारा कॉइल स्प्रिंग भी लग चुका है, ठीक है, और ये सकअप भी हमारा फिट हो चुका है। इसी प्रकार हम लेफ्ट साइड का भी ये दोनों चीज़ें फिट करेंगे, उसके बाद हमारा एक कैलीपर बचेगा, कैलीपर लगा के फिर हमारा गाड़ी फाइनल हो जाएगा। एक और चीज़ फ्रेंड इसमें है, हमने इसका ब्रेक पाइप खोला है यहाँ से देख सकते हैं, तो इसका एयर भी निकालना पड़ेगा। कभी भी आप ब्रेक पाइप ओपन करेंगे किसी भी गाड़ी का तो उसे एयर निकाल लीजिएगा, नहीं तो आपका ब्रेक फेल हो सकता है। तो कभी भी किसी भी गाड़ी का ब्रेक पाइप ओपन करेंगे डेड एक्सल का बूट डालने के लिए तो उसमें एयर निकाल कर ही गाड़ी आप कस्टमर को डिलीवरी कीजिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग हमारे सारी चीज़ें जो भी हमने ओपन किए थे वो पूरी तरह से प्रॉपर फिट हो चुकी है। ये देख सकते हैं कैलिपर वैलिपर सब हमने लगा दिया है। सिर्फ इसका EBS का सेंसर टाइट करना बाकी है, बाकी सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देख सकते हैं ब्रेक पाइप हमने ओपन किया था, ये भी लग चुका है, कैलिपर भी लग चुका है, ये सारी चीज़ें हो चुकी है फ्रेंड। सिर्फ डेड एक्सल का जो बोल्ट है वो टाइट करना बाकी है। तो फ्रेंड इसमें क्या है, कभी भी आप डेड एक्सल का बोल्ट ना पहले मत टाइट कीजिएगा, जब आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं टायर लगा कर डाउन करके उसके बाद यहाँ से बॉक्स वाला कनेक्शन लगा के टाइट कीजिएगा। तो क्या होता है फ्रेंड, नीचे करके आप जब ये बोल्ट टाइट कर देते हैं ना तो जब आप गाड़ी डाउन करते हैं तो आपका बूस उसके साथ घूम सकता है, तो घूम जाने के वजह से आपका बूस जल्दी चला जाएगा। इसके लिए इसको टायर में लगा कर गाड़ी आप नीचे ले लीजिए, नीचे लेके फिर डेड एक्सल का जो बोल्ट है उसे फाइनल टाइट कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा दोनों तरफ से कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका एयर निकालेंगे, सिर्फ एयर निकालना बाकी है, फिर एयर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा राइट साइड का भी आप देख सकते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट साइड का भी देख सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा दोनों बाजू से पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।
सिर्फ एयर निकालना बाकी है और व्हील लगाना बाकी है। तो सबसे पहले तो हम एयर निकालते हैं इसका पंप करके ब्रेक का, क्योंकि हमने इसका ब्रेक पाइप ओपन किया था, तो इसके लिए ब्रेक का एयर निकालना ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा फाइनल पंपिंग चालू है, हम पंप कर करके इसका ब्रेक का एयर निकालेंगे। हो गया अंसारी जी, तो इसका ब्रेक का एयर निकालिए। नीचे कोई ट्रे रख लीजिए ना, ब्रेक और गियर का करके एक ट्रे लेके आइए। गाड़ी का चाबी ले लीजिए, गाड़ी स्टार्ट करके एयर निकालिए। गाड़ी किधर, चाबी किधर, एक मिनट रुकिए, चाबी लेके आता हूँ। चाबी लेके आइए, गाड़ी चेक कर लीजिए न्यूट्रल है कि गियर में है। गाड़ी न्यूट्रल है, गाड़ी स्टार्ट करो कीजिए। हाँ पंप कीजिए, अब ब्रेक ब्रेक दबा के रखिए, लॉक कीजिए। हाँ पंप कीजिए, हाँ दबाइए, खोलिए, हाँ लॉक कीजिए, पंप कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड, ये पूरा वाइट वाइट एयर निकल रहा है। जब पूरी तरह से एकदम क्लियर आयल आने लगेगा साफ, तो समझ लीजिए आपका एयर निकल गया है। हाँ दबा के रखिए, खोलिए, हाँ लॉक पंप कीजिए, हाँ दबा के रखिए, खोलिए। देख सकते हैं गाइस, ये हमारा एयर निकल गया है, साफ ऑयल आ रहा है। एक बार और एयर निकालेंगे इसका। हाँ चलिए पंप कीजिए, हाँ खोलिए एक बार, हाँ ठीक है लॉक कर दीजिए इधर का। तो ठीक है फ्रेंड, तो इधर का हमारा पूरी तरह से एयर निकल चुका है राइट साइड का। अब हम लेफ्ट साइड का इसी प्रकार निकालेंगे। लेफ्ट साइड लेके चलिए, हाँ पंप करिए, दबा के रखो, खोल पंप करो, हाँ दबा के रखो, खोलो। तो फ्रेंड ये भी हमारा एयर निकल चुका है, चलो इसे फाइनल टाइट कर दो। तो ये हमारा गाड़ी पूरी तरह से प्रॉपर ओके हो चुका है। अब इसका हम व्हील लगाएंगे और व्हील लगा के इसे डाउन करेंगे। चलो दोनों व्हील लगा दो, हाँ गाड़ी बंद कर दो, इसका दोनों व्हील लगाओ फटाफट। इसमें ब्रेक ऑयल हम टॉप अप करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं हमारा ब्रेक ऑयल भी पूरी तरह से टॉप अप हो चुका है, और हमारा जो ब्रेक का एयर था वो भी हमने निकाल दिया है। ये हमारी गाड़ी पूरी तरह से प्रॉपर ओके हो चुकी है, सिर्फ इसमें व्हील लगाना बाकी है। तो व्हील लगा के डाउन करके फिर इसका टेस्ट ड्राइव हम लेते हैं। तो फाइनली हम इसका व्हील लगा रहे हैं, व्हील लगाकर इसे डाउन करेंगे। तो ये हमारा डेड एक्सल बूस्ट का रिप्लेस का वीडियो पूरी तरह से प्रॉपर पूरा हो चुका है। तो फाइनली हम डेड एक्सल का बूस्ट फाइनल टाइट कर रहे हैं, देख सकते हैं डाउन करके। एंड आप लोग भी प्रॉपर पूरा फाइनल करके व्हील डाउन करके उसके बाद ही डेड एक्सल का बूस्ट फाइनल टाइट कीजिएगा। इससे क्या होता है फ्रेंड, डेड एक्सल का जो बूस्ट है उसका लाइफ बढ़ जाता है। तो आप लोग भी इसे डाउन करके टाइट कीजिएगा। अगर आप लोग ने ऊपर इसको फाइनल टाइट कर दिया, उसका डाउन करने से क्या होता है, बूस्ट जो पकड़ लेता है ना तो उसके साथ घूम जाता है। तो इसके लिए आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, घूम जाने की वजह से क्या होएगा, आपका जो बूस्ट है वो बॉडी में लूज हो जाएगा, तो जल्दी आपका बूस्ट चला जाएगा। इसके लिए इसको डाउन करके ही फाइनल इसका डेड एक्सल बूस्ट टाइट कीजिएगा, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा गाड़ी ओके हो चुका है, अब इसे हम टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाएंगे। इधर का व्हील टाइट कीजिए, तो फाइनली अब इसे हम टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहे हैं गाड़ी। तो हम अब एक टेस्ट ड्राइव मारेंगे और उसके बाद इसे गाड़ी वॉश करके कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे। तो हमारा गाड़ी वॉशिंग भी है फुल। तो ये गाड़ी हमारी टेस्ट ड्राइव के लिए जा रही है, इसका हम टेस्ट ड्राइव मार के आएंगे।
मनोज जी कोई गाड़ी में आवाज़ है? नहीं नहीं, गाड़ी पूरी तरह से प्रॉपर ओके है। हमारा जो गाड़ी में कंप्लेन था वो भी सॉल्व हो चुका है, सिर्फ इसे वॉशिंग करके और कस्टमर को डिलीवरी दे देना है, ठीक है। तो आज का ये हमारा वीडियो था फ्रेंड डेड एक्सल बूस्ट रिप्लेस का। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि आगे चलकर हम आपको आगे अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने पेश कर सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो आज का, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।